तो देखिए आज के ब्लॉग में, ब्लॉग के साथ साथ मैं बहुत ही सुंदर टेस्टी और डिलीशियस आइसक्रीम बनाई हूँ। और देखिए तरह तरह के ढक्कन भी हैं, मोल्ड में बनाई हूँ। पिछला बार फैमिली पैक बनाई थी जो मोल्ड। प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त और स्वस्थ होंगे। आज पूर्णिमा है और आज चंद्रग्रहण भी लगने वाली है, लेकिन हालांकि इंडिया में नहीं दिखने वाला है, लेकिन इंडिया में दिखे या ना दिखे, चांद तो पूरी धरती पर एक ही है, उसका असर तो सभी जगह कुछ ना कुछ, जो भी निगेटिव पॉजिटिव जो होना है वो तो होगा ही। आज मैं अभी मेरे बच्चों को फिर से आइसक्रीम खाने का मन था, आइसक्रीम तो मैं एक बार बनाई, रेसिपी भी बनाई। तो क्या बोली, अभी बेटी बोली कस्टर्ड पाउडर का नहीं बनाना है, कस्टर्ड मेरे पास बहुत सारे फ्लेवर हैं, बोली कि सादा बनाना, फ्लेवर अलग से है। कॉर्नफ्लोर खोजी तो है ही नहीं, टोटली खत्म हो चुका है, टोटली खत्म, कुछ भी नहीं। बच्चे खत्म कर देते हैं, बताते भी नहीं कि खत्म हो गया है। तो अभी मैं बेटे को दुकान पे गई हूँ, तो बांध के रखी हूँ और दुकान पे गई हूँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर सोचना पड़ेगा। आप सभी आइसक्रीम बनाते हैं कि नहीं? मैं हमेशा आइसक्रीम बनाती हूँ क्योंकि घर का आइसक्रीम शुद्ध होता है, हम अपने सभी मतलब पौष्टिक इंग्रेडिएंट डाल के बनाते हैं जो कि फायदा करता है। बाजार वाला तो बच्चे खाते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं, लेकिन इसमें घर में बनाते रहती हूँ जिससे कि बच्चों को थोड़ा आइसक्रीम खा के संतुष्टि नहीं मिलता है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए मैं देखूँ आधा किलो से ज़्यादा दूध ली हूँ, उसको उबाल रही हूँ, फिर कॉर्न स्टार्च डाल के इसे बड़ा करूँगी। और सुबह मैं आलू मटर की सब्जी रोटी बनाई हूँ, बच्चे तो सो के उठे हैं, फिर नाश्ता किए हैं, ट्यूशन वाले सर आज सुबह ही आ गए थे तो पढ़ा के चले गए, फिर मैं थोड़ा सा आम तुड़वाई, ट्यूशन वाले सर को आम चाहिए था चटनी के लिए, तो थोड़ा सा आम तुड़वाई हूँ और उनको दी हूँ और आम आज बांट दी को भी दिए, दूध वाले को दिए और वहाँ पर एक लोग गार्ड वगैरह थे तो लोगों को भी दिए, बस हो गया। मैं अपनी नींद रखी चार पाँच दिखा, तुम लोग उठोगे? अरे भाई तो उठ के टैब में लगा हुआ है, तो 8:30 हो गया, देखो सर आ जाएंगे, ब्रश व्रश करके तैयार रहो, 2 घंटा पढ़ाएंगे। तनु उठिया, छुट्टी है, छुट्टी। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि खाली सोए रहना है 12 बजे तक। ये 4, 5, 6, 4, 8, 9 अब मैं अपने लिए रखी हूँ। और ये आलू है जो मैं ऊपर के रूम में दिखाई थी कि ऊपर रूम में रखा हुआ है और चूहा खा रहा है, तो मैं इसको नीचे किचन के रूम में रख ली हूँ। और लहसुन को इधर स्टोर रूम में नीचे रख दी हूँ, पोटे पोटे थे जिसको अलग रख दी हूँ, और जो बारीक बारीक चूरा टाइप से है छोटा छोटा उसको अलग रख दी हूँ कि पेस्ट बना के मैं ख़त्म कर लूँगी। मेरा एक बार में बहुत सारा काम चलते रहता है, इधर की मशीन लगाई हूँ, मशीन में पानी डाल रही थी, सब एक बार चलते रहता है, खुलने की आवाज़ आ गई लगता है। सबसे ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसी पर कि खत्म होता है तो बताते हैं, जिसके हाथ से खत्म हो उसको बोलना चाहिए कि हाँ खत्म हो गया वो। हाँ हो गया, नहीं है दुकान में। अब पूछती हूँ बेटी कुछ डालू, कस्टर्ड पाउडर है बहुत सारा कस्टर्ड पाउडर, कम थोड़ा नहीं मिला, क्या बनाऊंगा, मेरे पास है ना कस्टर्ड पाउडर है 3 फ्लेवर में, वनीला, केसर इलायची और केसर पिस्ता, कुछ तो डालना ही पड़ेगा। और रखी हुई थी मैं यार रोट पाउडर, वो भी मतलब खत्म कर दी थी फ्रेंच फ्राई बना करके, वो भी नहीं है, वो भी कॉर्न स्टार्च का काम करता है, बहुत ना स्टार्च ही रहता है। बोल बोल जल्दी बोल, खा ले कौन वाला बना दो। जल्दी जल्दी ये देखिए मैं और ये मेरा प्यारा सा गधा सा बच्चा जो कि आज छुट्टी मना रहा है, कल एग्जाम है, पढ़ता भी नहीं है, अब आप बताइए इसका क्या करें।
कूट कूट के मारे हैं? नहीं हाँ बोलना कि मम्मी फोन नंबर मांगी है, ये बार बार जाना आना पसंद नहीं है, अब एक बार कम से कम फोन से पूछ लेंगे ना हम। जाओ, नहीं लगाऊंगी, खुला रहेगा, जा जल्दी आना। मैं फिर से दुकान भेजी, मैं पैसा देके भेजी, कॉर्नफ्लोर तो आया नहीं, चिप्स कुरकुरे आ गया है, और फिर से भेजी कि जाके पूछो उनके यहाँ कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट पाउडर है या नहीं। मेरे पास आज बाई चांस ना अरारोट पाउडर है ना कॉर्नफ्लोर है, देखते हैं वो भी मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद नहीं मिलेगा तो जो है उसी का बना डालेंगे। हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक इकलौता किराना दुकान है, उसके यहाँ जो मिल गया जो मिल गया, नहीं मिला तो फिर अपना रोते रहो, सोचते रह जाओ। इसलिए कहीं बाहर निकलते हैं तो सोच समझ के लिस्ट बना के सारा सामान लाना पड़ता है। अब क्या हुआ, देखिए अरारोट पाउडर भी दुकान में नहीं मिला। अब मैं फिर से कन्फर्म की हूँ, बेटी वनीला पनीर तैयार हुई है, मेरे पास है कस्टर्ड पाउडर, केसर इलायची, केसर पिस्ता, बहुत सारा फ्लेवर में है, लेकिन अब मैं वनीला ही बनाऊंगी। चलिए आपसे बातें करते करते मैं बना लेती हूँ, पहले कस्टर्ड पाउडर को ले लेती हूँ इसमें, और आज मैं फैमिली पैक बना रही हूँ, लेकिन आज मैं बनाऊंगी तन्नू आइसक्रीम का कोन धो देना, फ्रेम जो है धो देना थोड़ा सा। देखिए दो चम्मच ले लिए हैं, इसमें ठंडा दूध डालते हैं, ठंडा दूध इसमें अलग से डालते हैं, गरम दूध से ये कस्टर्ड पाउडर नहीं घूलता है, ठंडा दूध में घोल लेते हैं। आइसक्रीम वाला वाला मालूम है ना, अस्टैंड दोनों अस्टैंड धो दो, बाहर वाला सूखे दोनों निकालो और दोनों धो दो, घोल रहेगा तब ना टाइम लगेगा इसको। धीरे धीरे उबालते हुए ही इसमें डालते हैं, उबालते हुए नहीं डालेंगे तो उसमें भी गुठली बन जाती है। हालांकि मैं आइसक्रीम का रेसिपी डाल चुकी हूँ, लेकिन अब ब्लॉग में बातें करते करते मैं क्या करूँ, आपको बनाते हुए भी दिखा देती हूँ। मैं तो अभी गर्मी में आइसक्रीम हर चार दिन बाद बनाऊंगी, मेरे बच्चों को मेरे हाथ का बना हुआ आइसक्रीम बहुत पसंद है। देखिए इसे डालते हुए चला रहे हैं, धीमे आंच पर चलने देते हैं, इसे आंच तेज नहीं करेंगे, बढ़िया से इसमें डाल देते हैं। कहती है कि झूठ बोल रही है, तो झूठ कौन खाता है इतना बनाती हूँ जो। मेरी बेटी बैक साइड से बोल रही है कि झूठ बोल रही है। में थोड़ा सा चीनी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, मीठा होने पर कस्टर्ड मीठा होने पर ही, क्रीम जो मैं डालती हूँ ना वो मीठा रहता है ऑलरेडी, उसे कस्टर्ड मीठा होने पर इसे हम 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं धीरे आंच पर, ज्यादा नहीं पकाना है। एक बार आप लोग भी बना के ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके का जो मैं बनाती हूँ, क्रीम डाल के व्हिप क्रीम हम डाल देते हैं, हम केक वाला क्रीम डाल देते हैं जो कि नॉन डेयरी क्रीम रहता है, इसमें अमूल का क्रीम से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी कभी जाऊंगी दुकान तो मैं भी लाऊंगी अमूल का, मैं केक ज्यादा बनाती थी तो बीच में अभी तो केक वाला क्रीम ही है पड़ा हुआ, तो मैं उसी का बना दे रही हूँ। ऐसे अमूल वाला का बहुत अच्छा बनता है आइसक्रीम, अगली बार मैं अमूल का बहुत शुरू की हूँ कि मतलब रेसिपी अलग से शूट करना और दिखाना डिफिकल्ट हो जाता है, उससे अच्छा है बातें भी हो जाएगी और रेसिपी भी शूट हो जाएगी। और मैं धीरे धीरे क्या करूंगी, रेसिपी को अलग से डालूंगी ही नहीं, ऐसे ही ब्लॉगिंग में ही डालना शुरू करूंगी।
क्या क्या करते हैं कुछ बताइएगा, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, बस पूर्णिमा बोल के बाल धो के नहा ली हूँ, भगवान के सामने हाथ जोड़ ली हूँ, क्षमा याचना मांग ली हूँ, मैं पूजा पाठ तो करती नहीं हूँ, बस हो गया मेरा। टीवी में ऐसे ही देख ली थोड़ा सा, कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है, कहाँ इसका असर रहेगा, वो सब थोड़ा सा देख, बस हो गया मेरा। सब्जी तो बना हुआ है, दाल सादा दाल चावल बनाई थी, बेटी से रोटी खाई थी, कुछ के लिए रोटी बना हुआ है। देखिए फर्स्ट ऐसा गाढ़ा हो चुका है, अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस और रूम टेम्परेचर पर आने तक इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए अब ये हम नॉन डेयरी भी क्रीम दे दिए, केक वाला है, केक वाला को नॉन डेयरी बोलते हैं, और ये भगोना लिए हैं, इसमें हम इसको डिप करते हैं, इसको हम अंदाज से लेंगे 250 ml ले लेंगे क्योंकि आइसक्रीम ज़्यादा बनेगा। और ये फ्रीजर में रखा था, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में, और जब बनाना रहता है ना तो फ्रीजर से निकाल के नीचे फ्रीज में रख देते हैं तब जाए, जिससे कि ये मेल्ट हो सके। तो इस प्रकार मेल्ट हो चुका है, ऐसे फ्रीजर में रखते हैं एकदम जमा हुआ रहता है, फ्रीजर में ही रखा रहता है, बाहर खराब नहीं रहता है। हम देखिए केंट का एक मशीन लिए, करने वाला मशीन जो है लॉकडाउन में खरीदे थे, लॉकडाउन में सब कुछ घर में बनाना पड़ रहा था तो मैं लॉकडाउन में ही खरीदी हूँ। से चलता है प्रकार फिट किया जाता है, कट से करता है तो समझ गए कि बैठ गया, नहीं तो निकल के गिर जाएगा। ये इस प्रकार काम करता है, इस प्रकार इसी से हम क्रीम को बीप कर लेते हैं, 5 से 7 मिनट करने से ये तैयार हो जाता है। देखिए क्रीम तो तैयार हो गया है, अब इसको फ्रीज में रख देते हैं ताकि कस्टर्ड को ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसको भी फ्रीज में रख देते हैं, ये बाहर रखेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ, क्या करूँ। दाल चावल ही तो बनाना है, तब तक बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी कि कैसे सेट करना है। मेरा पैसा चेंज होके आ गया लेकिन सामान नहीं मिला, ऐसा होता है मेरे साथ। उधर मशीन में कपड़ा ड्राई हो रहा है, इधर मैं दाल चढ़ा ले रही हूँ और चावल, जब तक दाल और चावल तैयार होगा मैं दाल ऐसे ही हाथ से ही नाप के लेती हूँ, बनाती हूँ और भूल भी जाता है, आदत पड़ गया है, मैं कटोरी गिलास से नहीं नापती हूँ, चावल गिलास से नाप करके बर्तन से। इसलिए मैं इतना ही चावल बनाती हूँ, ये मिल्क मेड का डब्बा है, एक डब्बा चावल दाल दी हूँ मुट्ठी से, 3 मुट्ठी में दाल भी हो जाता है और मेरा चावल एक चावल में 1.5 गिलास पानी, बढ़िया से चावल पक जाता है, कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं।
इसको इंडक्शन पर रख देते हैं, तीन सीटी में एक नंबर चावल पक जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। और दाल में मैं नेनुआ डाल दे रही हूँ, नेनुआ का चटनी बन जाएगा। मोल्ड से ज्यादा हो जाएगा तो मैं बना दूंगी इसको, तुमसे नहीं होगा बेटा। मोल्ड का आइसक्रीम मोल्ड का ढक्कन साफ कर लेती हूँ, उसके बाद बता। देखिए कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और क्रीम को भी हम फ्रिज से निकाल लिए हैं, और इसमें हम कस्टर्ड को क्रीम में मिक्स कर देते हैं। यही सारी उम्र जाएगी गीत आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। अब इसको हम घोल लेते हैं पूरा बढ़िया से, फिर से मिक्स कर लेते हैं। नॉन डेयरी क्रीम, इसमें थोड़ा सा एसेंस रहता है, लेकिन थोड़ा हैवी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा एसेंस हमको डालना पड़ेगा। ये हम एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल दे रहे हैं। अब साथ में कलर डालेंगे, आज मेरे बच्चों को पीला कलर का नहीं खाना है तो आज ऑरेंज कलर डाल रहे हैं। ये है लिक्विड कलर। अभी भी फूड कलर हम इस्तेमाल करते हैं तो पाउडर कलर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पाउडर कलर से थोड़ा सा नमकीन आ जाता है, उसे नमकीन बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकीन का कलर जैसे बूंदी वगैरह में डालते हैं उसमें पाउडर कलर डाल सकते हैं, लेकिन जैसे लिक्विड बना रहे हैं उसमें मीठा बना रहे हैं तो पीला कलर ही डालें। सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि जिनके पास मोल्ड नहीं है वो इस प्रकार छोटे छोटे बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाय का गिलास, कॉफी का गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्टील का, कांच का कोई सा भी गिलास इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम मोल्ड ही इस्तेमाल करें। इस प्रकार हम डाल लेंगे एकदम ओवर फ्लो नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे। मेरा बेटा को मन था कि ये गिलास वाला ही बना दो, गिलास वाला ही बना दो, इसलिए मैं गिलास में बना के दिखा रही हूँ।
भर ली हूँ, क्योंकि ये व्हिप्ड क्रीम का है तो थोड़ा ठीक है। वैसे पतला वाला बनाते हैं ना तो इसे फॉइल पेपर ढक देते हैं जिससे कि स्टिक इधर उधर नहीं भागता है। और इसमें ये स्टिक बाजार में मिलता है, ऐसा भी स्टिक लीजिए, कोई भी स्टिक सब मार्केट में मिलता है। छोटा छोटा स्क्रीन है तो ये स्टिक डाल दे रही हूँ। ये गढ़ा इसलिए स्टिक खड़ा रह गया, अगर पतला है और स्टिक नहीं खड़ा हो रहा है तो पहले फॉइल पेपर लगा लेंगे उसके बाद बीच से स्टिक डाल देंगे। और इसमें मैं मोल्ड में डाल रही हूँ, मेरे पास दो दो मोल्ड हैं तो सब मोल्ड में मैं डाल देती हूँ। देखिए यार मोल्ड में हम सब में भर लिए हैं, अब ढक्कन लगाते हैं। ये ढक्कन मेरे पास पूरा है लेकिन मेरे बेटे को स्टिक वाला खाना था इसलिए स्टिक 5-6 में लगा दी हूँ। देखिए ढक्कन मेरे पास सभी हैं, ढक्कन को इस प्रकार हम बंद कर लेंगे सभी तरह के कलरफुल ढक्कन हैं, इस प्रकार ढक लेंगे तो इसमें भी हम स्टिक लगा लेंगे क्योंकि मेरे बेटे को स्टिक वाला ही खाना। और जैसे पार्टी वगैरह किट्टी करने के लिए अगर आप बना रहे हैं तो हम ये वाला ढक्कन ना इस्तेमाल करके सब में स्टिक लगा देंगे तो खिलाने के बाद डायरेक्ट फेंक देंगे, हमको ये टेंशन नहीं रहेगा कि ढक्कन धो के रखना भी है। और देखिए कलर कितना सुंदर उभर के आया है, बहुत अच्छा कलर आया है। बच्चों का इसमें भी नाटक चलेगा निकालने समय, सबको पता है कि कौन वाला आइसक्रीम बड़ा और छोटा है, इसमें सब एक जैसा है। और उसमें अब इसको हम फ्रीजर में डालते हैं, इसे हम फ्रीजर में डाल देते हैं। अब इसे 6 से 8 घंटा हम जमने देंगे उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो ये बच गया है इतना ज़्यादा बच गया है क्योंकि क्रीम ले लिए थे ज़्यादा, तो क्रीम लेने से क्या होता है ना इतना क्रीमी टेक्सचर आता है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसका अगर फैमिली पैक बनाना था तो फैमिली पैक में एक बड़ा सा बर्तन में रख के और उस पर कुछ ड्राई फ्रूट डेकोरेट करके और डाल दीजिए जमने के लिए, निकाल के स्कूप से निकाल निकाल खाइए। तो चूंकि बच्चों को स्कूप से निकाल के खाना पसंद नहीं आता है और मोल्ड में रहता है तो क्या है मेरे से मांगना नहीं पड़ता है, सब माँ सबको मालूम है मोल्ड से निकालता है खा लेता है। वैसे मेरे पास आते रहता है मम्मी निकाल दे। अब इसको हम कोई दूसरे बर्तन में रख के टिफिन वगैरह में नीचे फ्रिज में डाल दूंगी, ठंडा रहेगा, जैसे जैसे मोल्ड खाली होते जाएगा मैं उसमें भर के फिर डाल दूंगी। आइसक्रीम को जमने में 6 से 8 घंटा लगेगा तो मैं आइसक्रीम को अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखा पाऊंगी क्योंकि ये ब्लॉग तो अभी मैं बच्चों को पढ़ाते अपलोड कर दूंगी। खास और इम्पॉर्टेंट बात जो हर बार मैं बोलना भूल जाती हूँ लेकिन आप मुझे मालूम है कि मेरे देखने वाले चाहने वाले इतने क्या कहें इतने मेरे से ज़्यादा परिपक्व हैं, उनको सब पता है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को देखने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट तक देखिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर जानकारी की बातें मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तो आपका टाइम पास तो जरूर हो जाएगा मेरे से गप करके। चलिए वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो मुझे लगा कि आज का मेरा ब्लॉग जरूर एंजॉय किए होंगे, आज का ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। और अभी देखिए साथ आइसक्रीम बनाते बनाते मैं खाना भी बनाई, कपड़ा भी पसार ली, धोई पसारी, अब इसको एडिट करते करते बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना है क्योंकि कल एग्जाम है, तो इसको एडिट करूँगी अपलोड करूँगी। के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चाहने वालों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।